हाई स्कूल की कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे 100 विद्यार्थियों का दल शैक्षणिक भ्रमण के लिए विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुआ। कोंडागांव की ग्राम देवी शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विधायक प्रतिनिधि ने इन विद्यार्थियों को सफल यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले के कलेक्टर के मार्गदर्शन में ये शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम संभव हो रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बच्चों को देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, सामरिक और शैक्षणिक महत्व के स्थलों और भौगोलिक तथ्यों से अवगत करना है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से ये भ्रमण किया जा रहा है, वाकई बहुत अच्छी पहल ये की जा रही है। बच्चों को, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने देश के बारे में जो है मिल पाएगी। वीरेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें शैक्षणिक भ्रमण जो है यहाँ पर किया जा रहा है। मसूरा हाई स्कूल के छात्र हैं, विशाखापट्टनम ये दल पूरा रवाना हुआ है। और हमारे साथ संवाददाता खिरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खिरेंद्र, जिस तरह से शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है, वाकई इससे छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी पहल हम यहाँ पर देख सकते हैं। जी देखिए, बस्तर अंचल के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ के विद्यार्थी घर से बाहर नहीं निकले हैं, जो कि ट्रेन नहीं देखे हैं, और भी बहुत से संसाधन जो आज विकास किया गया है वो कुछ नहीं देख पाए हैं। तो हो सकता है इसके माध्यम से उन्हें जरूर कुछ नया देखने सीखने को मिलेगा। जी बाकी जिस तरह से कोंडागांव में भ्रमण किया जा रहा है, यहाँ से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुआ है, क्या लगता है ऐसी पहल और भी गांव में की जाएगी जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके, अपने देश के बारे में जान सके, संस्कृति जान सके? जी देखिए, ये अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी या विधायक मोहन मरकाम जी का एक नया सोच, नया पहल है। हम यह चाहेंगे कि ये अपने प्रदेश स्तर पर प्रत्येक स्कूल में ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए। खिरेंद्र जी, हमारे साथ शिक्षक राजेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैडम, जिस तरह से शैक्षणिक भ्रमण यहाँ पर कराया जा रहा है बच्चों के लिए, जी, काफी अच्छी पहल हम यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चे बहुत कुछ अच्छा से सीख पाएंगे, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। बहुत अच्छी पहल हम यहाँ पर मान रहे हैं इसे। किस तरह से आपको ये लगा कि बच्चों को ऐसा भ्रमण कराना चाहिए कि बच्चे ये सब सीख सके? मैडम, मैं एक मसूरा नाम के गांव में प्राचार्य हूँ, वहाँ पर बच्चों के पास मैं गया। बच्चों से एक दिन एक सवाल पे मैंने उनसे कहा कि आप लोगों में से कितनों बच्चों ने ट्रेन की यात्रा की है। तो 9th क्लास के सारे बच्चे एक साथ खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हमने लाइव ट्रेन देखा भी नहीं है सर, यात्रा की तो बात दूर है। तो उस दिन मेरे मन में एक विचार आया कि बच्चों को नियरेस्ट कोई स्थान पर ले जाना चाहिए जिससे बच्चे ट्रेन भी देख सकें। और जगदलपुर से विशाखापट्टनम में एक ऐसा रूट है मैडम जो पूरे भारत में 56 टनल है उस रूट में, जी। और एक पहाड़ी इलाका है, और विशाखापट्टनम में समुद्र भी है और अपने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका है और बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। तो मैं सोचा कि यहाँ पर ले जाना बच्चों को ठीक रहेगा। और हमारे कलेक्टर साहब हैं माननीय नीलकंठ टेकाम साहब, उनकी प्रेरणा मिली हमको, उनका मार्गदर्शन मिला। और माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय शिशिर श्रीवास्तव जी और हमारे डीओ मिश्रा जी के सहयोग से इन सारे बच्चों को यहाँ पर हम लेके आए हैं। बच्चे घूम रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं बच्चे। चलिए सर, आप भी बने रहिए हमारे साथ, विधायक शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते मैडम। जिस तरह से यहाँ पे पहल की जा रही है, शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है, बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। जिस तरह से हमने अभी शिक्षक से भी बात की, उनका भी कहना था कि बच्चों ने ट्रेन तक नहीं देखी थी और ये जो फैसला लिया गया, जो पहल की गई है, वाकई बहुत सराहनीय है।
बहुत सराहनीय पहल है मैडम। क्या बस्तर एक क्या ट्रैवल एरिया है, बस्तर में आदिवासी बच्चे बहुत ज्यादा हैं जी, और बच्चे जो क्या है यहाँ पे सिर्फ सड़क मार्ग से ही हम आना जाना करते हैं, लेकिन ये बच्चे अपने गांव से बाहर कभी नहीं निकले, तो उनके लिए एक अलग सा एक रोमांच होगा कि ट्रेन में गए, वो जो विशाखापट्टनम से जगदलपुर से विशाखापट्टनम की ट्रेन है जो वर्ल्ड में प्रसिद्ध है अभी, है ना, जिसमें लोहा बैरडेला का लोहा विशाखापट्टनम जाता है और वहां से जापान जाता है, वो जो ट्रैक है बहुत मतलब दर्शनीय देखा जाता, बहुत रोमांच उस रूट में जी। उसके बाद वहाँ जाकर बच्चे जो है आप एक तो वहाँ पे पोर्ट देखेंगे, एयरपोर्ट देखेंगे, जो बच्चे कभी जो सपने में भी नहीं सोचे थे, और सरकार की एक अच्छी पहल है, जिला कलेक्टर की अच्छी पहल है ना, और वहाँ के विधायक जी और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इस टाइप के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण में ले जा रहे हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीवास्तव जी, और शिक्षक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक्सप्रेस स्पेशल इतना ही, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ, नमस्कार।